بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون یہ سورة یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 دو آیتیں ہیں 50/7 50/8 سورہ یونس پارہ نمبر 11 یا تزیرون آیت نمبر 50/7 50/8 پہلی آیت ہے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدا و رحمت للمؤمنین پہلے روزے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ آیت اور اس کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی گئی آج دسویں روزے میں یا ایھا الناس والی اور ایک آیت پیش کی جا رہی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اس موقع پر بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو پکارتے ہیں متوجہ کرتے ہیں تو وہاں تمام لوگ تمام انسان مراد ہوتے ہیں مومن بھی ہے کافر بھی ہے مشرک بھی ہے مسلم بھی ہے تو یا ایھا الناس سے تمام لوگ مراد ہوتے ہیں تو جیسے اللہ نے وہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فرمایا اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اب دیکھو دو لفظ وہاں آئے تھے ایک یا ایھا الناس اور دوسرا رب کا لفظ یہاں بھی یا ایھا الناس اور موعظۃ من ربکم رب کا لفظ یہاں بھی آیا یہ آیت بہت جامع اور انسانوں کے لیے پورے انسانوں کے لیے ظاہری باطنی روحانی
और जिस्मानी एतबार से बेहतरी की शिफा और दवा की आयत है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु व मुनवालुहु ने चार चीज़ों को बयान किया, एक मौइज़त, दूसरी चीज़ शिफा, तीसरी चीज़ हुदा और चौथी चीज़ रहमत। पहली चीज़ मौइज़त नसीहत, दूसरी चीज़ शिफा, तीसरी चीज़ हुदा हिदायत और चौथी चीज़ रहमत। इसको हम ज़रा तरतीब से समझेंगे। ये रमज़ान का महीना है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने जो ख़ास चीज़ बयान फरमाई वो है क़ुरान। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। और यहाँ क़ुरान हमको क्या बताता है, क्या बयान करता है, उसको भी इस आयत में हम सुन रहे हैं। ऐ लोगों, तुम्हारे पास आई है नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से। पहली चीज़ तो क़ुरान क्या है, नसीहत है। किन के लिए? सारे इंसानों के लिए। देखो, नसीहत है, खैरख्वाही की बात है। ये होना चाहिए इंसान के लिए, ये ज़रूरी है। पहले ज़माने में बड़ों के पास जाते तो छोटे जो है बड़ों से दरख्वास्त करते, हज़रत कहते भी नसीहत करो करके। इसी तरीक़े से औलाद जो है बच्चे माँ बाप से भी नसीहत की दरख्वास्त कर दे, ख़ास तौर पे सफ़र वग़ैरह में जाते तो। और बड़े लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर नसीहत करते, जतन से जाना, काम कर दाल को वापस जल्दी आ जाना, इस तरीक़े से दुआएं देकर भेजते थे। कोई खैरख्वाही की बात हो तो उसको जी अपनी ज़िम्मेदारी समझकर छोटों को कहते थे। अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब सब क्या भी नहीं, हाय हेलो करके जाते रहते हैं। बोल को गए तो बाबा बेटा बहुत बड़ी बात इस ज़माने में। अक्सरों को शिकायत रहती है, बच्चे बोले बगैर ही चले जाते हैं, पूछते नहीं चले जाते हैं। इस तरह से ये बात अच्छी नहीं है, बड़ों की नसीहत और बड़ों की दुआओं के साथ जाना। पहले ज़रूर जाते इस टाइम पर, जा को आओ बेटे बोलते। और नहीं तो फिर बस जगह आप सुने होंगे अम्मी आ तुम ही कर को बोलते, हालांकि इन्हें जाता है, बोलता क्या है, आ तुम ही कर को बोलता। क्या माने? इन्हें जा को सलामती के साथ वापस आता हूँ मैं ही करके, ये मतलब से बोलता है। सुने माँ बाप भी जो है जतन से आ बेटे कर को बोलते, यानी जतन से जाकर आओ करके, सलामती के साथ आओ कर। ये माहौल पैदा करना चाहिए। सफ़र की हालत एक अलग हालत है, तो इसलिए इंसान मुख्तलिफ हालात से गुज़रता है, तो ख़ास तौर पर सफ़र के मौके पर नसीहत करके दुआ करके भेजना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों को रुख्सत फरमाते तो रुख्सती की दुआ, अस्तौज़ी अल्लाह दीनका व अमानतका व ख़वातिमा अमालिक, इस तरीके के दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। तो खैर, पहली बात यह है कि क़ुरान पाक नसीहत है। आजकल की नस्ल कैसी हो गई है, बड़े क्या तुम बोले तो रेज हो जाते, चिट डालते, मंजे एज क्या, कब देखे तो भी बोलते रहते सोच क्या आकर। और दुख की बात यह है, मर्द बच्चा से ज़्यादा और भाई को बच्चा चिढ़ते माँ बाप पर, अल्लाह अकबर। ये बहुत बुरी बात है, क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत की निशानियों में से एक यह है, अक्का उम्महू व अता इमरातहू, अदना सदीक़हू व अक्सा अबाहू। इंसान माँ के दिल को जलाएगा, जोरू की गुलामी करेगा,
बाप को दूर करेगा, दोस्त को करीब करेगा। माँ कुछ बोले तो गुस्सा आता, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए जी। बाप कुछ बोले तो गुस्सा आता, बंजेज क्या मईज क्या करके। तो ये सब क़यामत की निशानियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। नौजवानों बच्चों सुनो, और गुनाहों का वबाल उसकी सज़ा आखिरत में तो है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसी चीज़ है कि उसकी सज़ा और उसका वबाल आखिरत के साथ साथ इंसान दुनिया ही में पा लेता है। इसलिए माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के दिल को दुखाना जी, माँ बाप को सताना, अल्लाह से पनाह मांगो, बहुत बहुत बुरी बात है। दुनिया ही में इसका वबाल और इसकी सज़ा इंसान पा लेता है। इसलिए जल्द अज जल्द माफ़ी मांगकर, हाथ जोड़कर माँ बाप को राज़ी करना, उनकी दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ा रद्दुल वालिद, रब की रज़ा अल्लाह की खुशनुदी, बाप की खुशनुदी भी। वह सख़त रब्बी फी सख़तुल वालिद, और रब की और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में। इंशाल्लाह ये एक मौजू है, एक टॉपिक है, इस पर तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे। तो यहाँ पहली बात है, क़ुरान क्या है? ये मौइज़त है, नसीहत है। किसकी तरफ से है? रब की तरफ से। पहले भी मैं बोला था कि रब का लफ्ज़ बहुत अहम है। अल्लाह ने शुरू में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने बारे में रब कहा, सबसे पहली सूरत में भी रब है, सबसे आखिरी सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास में भी रब है। इंसानों की रूहों को पैदा करके आलम अरवाह में अल्लाह ने जो अहद और वादा लिया, उसमें भी अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया। ऐसे ही कब्र में जाएंगे तो भी मर रब्बुका का, तुम्हारा रब कौन है, यही सवाल होगा। तो इसलिए रब का लफ्ज़ बहुत अहम है। तो अल्लाह की तरफ से मौइज़त नसीहत आई है तमाम इंसानों के वास्ते। ये मौइज़त क्या है? उलमाए किराम फरमाते हैं, ज़ाहिर की जो हमारी चीज़ें हैं, यानी इंसानों को हलाक करने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली जो बातें हैं, उनसे रोकने वाली, यानी ज़ाहिरी एतबार से इंसान मिसाल के तौर पर लड़ लेता है, झगड़ लेता है, गाली गलौज कर लेता है जी, झूठ बोल देता है। तो ये आज़ा के जो गलतियां हैं, जो कोताहियां हैं, बुराइयां हैं, इसके लिए क़ुरान नसीहत कर रहा है, हमको तालीम दे रहा है। तो इंसान की आंख गलत देखती है तो बता रहा है, यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह ताला आँखों की खयानत को जानते हैं। ये बता रहा है कि देखो, तुम इंसानों की नज़र से अपने आप को छुपा सकते हो, उनको धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी आँखों की खयानत को जानते हैं। तो वैसे ही हाथ पैर से इंसान जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, ये सब चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह जल्ले जलालुहू हमको नसीहत करते हैं, तालीम देते हैं। तो ज़ाहिर के एतबार से दूसरी चीज़ फरमाया, शिफाउन लिमा फी सुदूर, और ये क़ुरान क्या है? शिफा है दिलों की रोग की। दिलों में कुछ बीमारियां होती, दिलों के अंदर कुछ रोग और कुछ बीमारियां होती हैं, उसके लिए यह शिफा है। दिल की बीमारी क्या है? हसद है, कीना है, कपट है, उजुब है, खुदबीनी है, बदबीनी है, बदगुमानी है, दूसरों को हकीर जानना है, अपने बारे में
बड़ाई है, तकब्बुर है, ये सब चीज़ें अंदर की बीमारियां हैं। बाहर की बीमारी तो नज़र आ जाती, अंदर की बीमारी नज़र नहीं आती। देखो किसी को पैर में ज़ख़म है, वो ज़ख़म नज़र आता और उसका इलाज भी हमारे को समझ में आ जाता, इलाज भी कर लेते हैं। किसी के अंदर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, आजकल नई नई बीमारियां शुरू हो गई हैं, वो मालूम होती नहीं है, वो अंदर की बीमारी। तो दुनिया में ही इंसान अंदर की चीज़ों से ज़्यादा परेशान होता है बाहर की चीज़ों के मुकाबले में। तो ज़ाहिरी बीमारी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, बोलते नहीं अंदर का मार पड़गा बा उसे कहते, ठीक है, अंदर का मार क्या भी नहीं है ऐसा भी बोलते। तो ऊपर का मार है, अंदर का मार है, ये समझ में आता है। ऊपर के मार से इंसान परेशान नहीं होता, अंदर के मार से परेशान होता है। तो वैसे ही बाहर की बीमारी अंदर की बीमारी जिस्म के लिहाज से एक है और रूहानियत के अतबार से एक है। तो अंदर के अतबार से जो रूहानी बीमारियां हैं ये बहुत बड़ी हैं, बहुत भयानक हैं। तो इससे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। तो अल्लाह जल्ले जलालुहु सीनों के जो रोग हैं और जो बीमारियां हैं उसकी शिफा के तौर पर अल्लाह ने इस कुरान को भेजा है। देखो बदन जब बीमार होता है तो इंसान का मिजाज बिगड़ जाता है। बुखार वाले को मीठी चीज़ दिया तो भी कैसी मालूम होती है, कड़वी मालूम होती, गुस्सा करता उन्हें, ये क्या देते इसमें, ये खाओ करके बोलते इस क्या करके। अच्छी चीज़ दिया तो भी उसे कड़वी मालूम होती, इसलिए कि उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है। वैसे ही अंदर की तबीयत जिसकी ख़राब रहती है उसे अच्छी बात बोले तो भी कड़वी नज़र आती है। इसलिए किसी को नसीहत करो, आजकल बच्चों को कुछ रख लो ना, फौरन मंजेज क्या, मईज क्या, दूसरे कौन भी दिखतेज नहीं क्या, कब देखे तुम्हें मंजेज बोलक रहते नहीं क्या कर, मैं क्या करें तुम्हें, तुम ना ऐसा, इस तरीके से अच्छी बात भी उसको बुरी मालूम हो रही है। तो अंदर बिगड़ता है इंसान का, अंदरून के अंदर खराबी आती है तो मिजाज बिगड़ जाता। अच्छी मजलिसों को आओ बोले तो आने तैयार नहीं होता, अच्छे लोगों के पास बुला लकर जाओ आने तैयार नहीं होंगे। हमेशा तबीयत बुराई की जगहों पर, बुरे लोगों से मिलने, बुरी चीज़ों को देखने, ऐसी तबीयत बन जाती है। तो अंदर का मिजाज बिगड़ गया। तो कुरान जो है शिफा बन के आया है इन सब बीमारियों के लिए। मिसाल के तौर पर अंदर की बीमारियों में से आज एक बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो है गुस्सा। क्या है भाई, आज सो किसे देंगे तू भी गुस्सा, कौन देंगे तू भी सोडा बॉटल, अब्बा सुर करके आता उसे गुस्सा, बात करने की देरी गुस्सा, हर एक को है, किसे देखे तो भी टेंशन कहता उन्हें, क्या करना हजरत कहता, तीन तीन तलाक दे आते, पूछे तो नहीं हजरत क्या की हजरत देना कर को दिया नहीं, गुस्से में दे लिया से, नहीं तो क्या मांडी वो बिठा लो को, तू कितनी अच्छी है ना, तू बहुत अच्छी है ना, कर को बोल लो को क्या तलाक देगा, गुस्से में तलाक देता सो, नहीं हजरत देना कर दिया नहीं क्या कि गुस्से में दे लिया सो, माँ बाप भी सिफारिश करते नहीं हजरत हमारा बच्चा सो वैसा नहीं है, क्या कि गुस्से में बोला ले, सुनो तलाक का मसला ऐसा है, गुस्से में दिए तो भी पड़ती, मोहब्बत से दिए तो भी पड़ती, संजीदगी से दिए तो भी पड़ती, मजाक से दिए तो भी पड़ती, इसलिए मजाक मजाक में सब या गुस्से में सब ऐसी बातें नहीं कर देना, बहुत संभाल कर अपने आप को रखना, याद रखो। और आजकल तो हुकूमत इसको एक उनवान बना ली है, हमारी शरीयत में मुदाखलत करने, इंटरफेयर करने के वास्ते इसको, देखो गए रमज़ान में हुकूमत बदली यानी आई दोबारा, आते ही पहले तीन तलाक का मुद्दा चुठाई, याद है कि आप लोगों को एक साल होने जाता है, तो इसलिए शरीयत में कैसा घुसना करके इंतज़ार में रहते, हमें उसके लिए ज़रिया नहीं बनना, सबब नहीं बनना।
तो इसलिए तीन तीन तलाक दे देना तो बहुत बुरी बात है। ये तलाक अल्लाह का एहसान है, शरीयत की खूबी है। सुनो गौर से कि अल्लाह तलाक का हक जो है मर्दों को दिया है, औरतों के हाथों में तलाक की बात रहती ही होता अच्छी। जे ये बार साड़ी नहीं लाई, एक ड्रेस नहीं लाए, तीन होगा शादियों को। एक वारों में सुबह मर्द बहने जो है बेवाहों को घर को आग बेड़े आते थे, एक एक तलाक आ, तीन तीन तलाक आ, लहजे लहजे को तलाक आ, देखो उतार जिंदगी तबाह हो जाती थी। तो अल्लाह जल्द जलालू ने तलाक का हक मर्दों को दिया है, औरतों को नहीं दिया। औरतों के हाथ में देखो रदत होगा शादी को, एक वारम भी रहना मुश्किल है। उठे तलाक बढ़े बैठे तलाक कर को रिश्ते टूट जाते थे, इसलिए कि औरत का मिजाज वैसा है। तो खैर मैं एक बात बोल रहा था गुस्से के सिलसिले में कि गुस्सा जो है एक अंदरूनी बीमारी है। देखो इंसान और गुस्सा, इंसान है बोले तो उसके अंदर गुस्सा है, नहीं करके नहीं, हाँ लेकिन करने के वक्त करना, कितना करना है कि उतना ही करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की कुछ किस्में बयान की हैं हदीस में, बहुत प्यारी किस्में हैं। देखेंगे कल कोई मुझे याद दिलाए तो मैं इंशाल्लाह वो तफसीली हदीस आपको बयान करता हूँ। देखेंगे कौन मुझे याद दिलाते हैं मैसेज के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से, क्या है कि तुम लोग सुनते हैं कि सोते हैं कि मुझे मालूम नहीं। उसके वास्ते दूसरी चीज़ों में सब कमेंट्स में लिखते रहते, अब्बा हम ना कौन भी क्या भी कमेंट्स ही भेजता नहीं है, सुनते हैं कि सोते हैं कि बात फ़ायदे की है कि ज़रूरत की है कि करके। खैर बहरहाल सुनते रहे तो इखलास से सुनते रहेंगे, अल्लाह आपकी सुनने को कबूल फरमाए, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दुनिया में क्या 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 चीज़ नोट करते कि फौरन फौरन फौरन, हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करो अच्छी चीज़ में अच्छी महफिल में बैठकर सुन रहे हैं। वरना याद रखो दूसरे वेबसाइट्स में जाते तो क़यामत तक उस गंदगी में उस नाफरमानी में तुम्हारा नाम लिखा जाता था। अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो नेक महफिल में अच्छी चीज़ में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। ये लिसनर्स में हो, फॉलोअर्स में हो, और कमेंट्स भेजने वालों में हो, और शरीक होने वालों में हो, अच्छे लोगों में तुम्हारा नाम शरीक तुम्हारा नाम शामिल हो रहा है, इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। हदीस में है मन कसरा सवाद कौम ही फहुआ मिन्हु, जो जिस मजमे को बढ़ाता है वो उन्हीं में से होता है। तो ऐसी वैसी वेबसाइट्स देखना, वो देखेंगे तो भी वो उसमें उस गंदगी में शरीक होने वालों में तुम्हारा नाम आ जाएगा, और कल क़यामत में वैसे लोगों के साथ अंजाम अल्लाह तबारक व तआला खैर करे ना हो, इसलिए पनाह मांगना चाहिए। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ों के मुज़ाकरे करो। तो खैर गुस्सा जो है आज एक आम बीमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा इंसान के अंदर एक ज़रूरत है, वक्त पर हो बकदरे ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, बेमौका ना हो, हर वक्त ना हो, समझ रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। तो इंशाल्लाह वो तफसीली हदीस जो है कल इंशाल्लाह देखेंगे कौन याद दिलाते करके वो हदीस पेश की जाएगी। अब ये छोटी बात बोलकर ख़त्म करते हैं, वो ये है कि एक नौजवान जो है एक अल्लाह वाले के पास आकर बोला, हज़रत मुझे गुस्सा बहुत आता है बोला। तो हज़रत क्या बोले फौरन, बेटा दिल को बड़ा कर लो बोले। क्या बोले, दिल को बड़ा कैसा करना हज़रत। अब देखो अल्लाह वालों का इलाज का तरीक़ा कैसा रहता है। देखो तो गुस्सा आता है हज़रत मुझे बहुत बोले तो दिल बड़ा कर लो बेटे बोले। वो कैसे बोले, बेटा ज़रा एक गिलास में ज़रा पानी लाओ बोले। पानी लाया, इतना मुट्ठी भर नमक उठा उसमें डाल डाले, अब मिला को उसे दिए, पियो बेटा बोले। पीने की देरी एक वकारियां करता है, खकरता है, खांसता है, खय करता है, क्या हजरत इतना खारा मुझे दे डाले ना पियो कर को ऐसा। अच्छा अच्छा जान दे बेटे छोड़ो, एक बड़े बर्तन में बिंगी में बिंदे में जी मटके में पानी लाओ बोले।
उन्हें लाया। पहले कितना नमक डाले कि उतना नमक डाले उसमें उठाकर डालकर उसमें पानी में मिलाकर ज़रा पानी उठा दिए, पी लो पियो बेटे का। तो अब उन्हें वो पानी पी लिया, उसे क्या भी परेशानी नहीं हुई। तो बुजुर्ग बोले, देखो बेटा पहले कितना नमक डाला कि अब भी उतना नमक में डाला उसको, लेकिन पहले बर्तन छोटा था इसलिए वो कड़वा नजर आया, अब बर्तन बड़ा है इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो बेटा सुनो, बात वो ही रहती है, दिल छोटा रहे तो कड़वी नज़र आती है, खारी नज़र आती है, परेशानी की नज़र आती है, दिल बड़ा कर लें तो कोई बात ऐसा हमारे को परेशान नहीं करती। बोले देखो कितनी प्यारी नसीहत है ये, अल्लाह जल्ल जलालुहु मनवालुहु हम सबको दिल बड़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। ये चार बातों में दो बातें हुई हैं और दो बातें बाकी हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु इन बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जाको टेस्ट कर लो, दिल ना बड़े हो कि छोटे हो कि करो को, उसे भी कहते हुए इंस्ट्रूमेंट है क्या देख लो, रोजाना टेस्ट कर लो, बीपी टेस्ट करे सका, शुगर टेस्ट करे सका, थायराइड टेस्ट करे सका। देखो जाहिर की बीमारियों की उतनी फिक्र है, उतना उसका लिहाज रहे, ज़रा ज़रा खुद को जाकर टेस्ट करना, ज़रा ज़रा खुद को जाके करना। अंदर की बीमारियों की फिक्र है क्या, उसकी टेस्टिंग है क्या हमारे पास, अल्लाह उसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात सुनो, इस वक्त एक तो रोज़ा है और मौसम भी बहुत गर्मी का है, सख्त गर्मी पड़ रही है तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, कैसा है मालूम नहीं मौसम, बाहर मुल्कों में भी, वहाँ भी लोग सुनते हैं मालूम नहीं, अलालुमूम जो है गर्मी का मौसम है तो गर्मी ज़्यादा है, तो मौसम की गर्मी है, फिर रोज़े की गर्मी है, इंसान दिन भर भूखा रहता है तो अंदरूनी एतबार से भी गर्मी पैदा होती है, मैदा खाली रहता है ये। और तीसरा जो है लॉकडाउन का ज़माना है, दिमागी एतबार से भी गर्मी है, अब ईद आने आने दिना गुजरने गुजरने भी परेशानी बढ़ रही है। एक हकीकत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो घर के ज़िम्मेदार किस्म के लोग होते हैं उन पर ज़िम्मेदारी जब पड़ती है तो वो भी एक परेशानी होती है, उसकी वजह से भी दिल दिमाग भी जो है मुतासिर होते हैं तो भी गर्मी पैदा हो जाती है, ये सब है। लेकिन अल्लाह ही से हम सबकी आसानी मांगें। लेकिन गर्मी में आप ऐसे बाहर नहीं हो जाना, अपसेट नहीं हो जाना, वो कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाना, उसकी वजह से बड़ी परेशानियां हो रही। हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बीवी से लड़ लिया, बाबा मुझे मार डाले, ये होगा वो होगा, बड़े लंबे चौड़े झगड़े परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कंट्रोल में रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। देखो अब रहमत का शराब चंद घंटों में ख़त्म हो रहा है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी हम लोग इसकी कदर किए नाकदरी किए अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। मेरे हाल दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस रहमत के अशरे में हम सबको अपनी रहमत नसीब फरमाए, आगे जो दिन बाकी हैं उनकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखना है। एक दूसरी बात है कि मैं ज़रा बोलता हूँ, मैं हमारे बच्चों को भी बोलता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, ज़रा तेल का इस्तेमाल करें, सरों में तेल डालें। आज डालते नहीं हैं लोग, तेल जो है ज़रूरी है इंसान के लिए, बदन के जैसे दरख्त के लिए पानी की ज़रूरत है, ऐसे बदन के लिए सर के लिए तेल की ज़रूरत है। अच्छे तेल का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला, ज़रा ठंडक पहुँचेगी, गर्मी जो है वो दूर होगी, उसका इस्तेमाल करें। आजकल रिवाज ही नहीं है तेल डालने का, तो इसलिए दिन में घर में ही बैठे हैं तो थोड़ा तेल का इस्तेमाल करें जी इंशाल्लाह ताला, ज़रा तो ज़ाहिरी एतबार से तो भी ज़रा ठंडक महसूस होगी। अल्लाह तबारक ताला फजल फरमाए। बहुत से लोग तबीयत की शिकायतों की जो है हमारे पास जो है बात कर रहे हैं और दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह सबको सेहत सलामत या आफियत अता फरमाए। अब इस वक्त जो है ख़त्म ख्वाजगा का अमल है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، 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 والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله تبارك وتعالى اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کے فیوض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. الله
ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान रब्बिल अली अल वहाब। दुआ फरमा ले अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र ला नुसी सना अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक व लकल हम्द हत्ता तरदा या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल व आफात व तक़्ज़ी लना बिहा जमील हाजात وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिल की गंदगी को दूर फरमा। अल्लाह हमें शर्मिंदगी और शर्मिंदगी वाले कामों से महफूज फरमा। अल्लाह हमें बंदगी का सलीक़ा अता फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ना फरमानियों में, ना कदरियों में, ना शुक्रियों में, लापरवाहियों में गुजर गया है। अल्लाह आइंदा ज़िंदगी को अल्लाह अच्छी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आने वाले वक्त को गुजरे वक्त के लिए कफ़ारा बना दीजिए। अल्लाह आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर बना दीजिए। अल्लाह गुजरी हुई चीज़ों को भी माफ़ फरमा दीजिए। आइंदा नेक तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम आपको नाराज़ करना नहीं चाहते। अल्लाह हम आपकी अल्लाह नाफरमानी करके आपको नाराज़ करना नहीं चाहते अल्लाह, लेकिन नफ्स व शैतान गालिब आ जाते हैं अल्लाह। बुरी आदतें हैं, बुरे दोस्त हैं अल्लाह, बुरी सोहबतें हैं अल्लाह, बुरा माहौल है अल्लाह जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाता है अल्लाह। अल्लाह जी माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। इन सब चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह, इन सब चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाइए अल्लाह। ए अल्लाह रहम फरमा दीजिए अल्लाह, करम फरमा दीजिए अल्लाह, फजल फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह हमारे अंदर गुनाहों से बचने की ताकत भी नहीं है अल्लाह, जहन्नम में झलने की ताकत भी, हिम्मत भी नहीं है अल्लाह, क्या करें है अल्लाह। आप ही फजल फरमा दीजिए अल्लाह। ए अल्लाह हमें गुनाहों से भी बचा लीजिए अल्लाह, जहन्नम की आग से भी बचा लीजिए अल्लाह। फजल फरमा दीजिए अल्लाह। हम आपकी तरफ दो कदम उठाते हैं अल्लाह, आपसे करीब होना चाहते हैं अल्लाह। नफ्स व शैतान और बुरी आदतें और नफ्स अल्लाह ऐसी लात मारते हैं अल्लाह, हम चार कदम पीछे हो जाते हैं अल्लाह। अल्लाह बनने के बाद बिगड़ने से बचाइए अल्लाह, अच्छे होने के बाद बुरे होने से बचाइए अल्लाह, आपसे करीब होने के बाद दूर होने से बचाइए अल्लाह। ए करीमा का अल्लाह हमारी औलाद को नेक सालेह बनाइए अल्लाह, आँखों की ठंडक बनाइए अल्लाह, फरमबरदार बनाइए अल्लाह, इताज शियार बनाइए अल्लाह। ए अल्लाह बहकने बिगड़ने से बचाइए अल्लाह, उनकी इज्जत और इस्मतों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह। ए अल्लाह ओ माँ बाप बहुत परेशान है अल्लाह, रोज़ाना ऐसी शिकायतें आती हैं अल्लाह। अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाइए अल्लाह, नेक तौफीक अता फरमाइए अल्लाह। ए करीमा का अखलाक को बिगाड़ने वाली चीज़ें शैतान ने अल्लाह फैला दी हैं अल्लाह, अल्लाह इनसे बचाइए अल्लाह। हमारी औलाद को बचाइए अल्लाह, घर घर को बचाइए अल्लाह, फ़र्द फ़र्द को बचाइए अल्लाह, हर हर को हर एक को बचाइए अल्लाह। रहम व करम के फ़ैसले फरमाइए अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमाइए अल्लाह। अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं अल्लाह, एक साहिब ने अल्लाह खून में पेशाब में खून आने की शिकायत बयान की है अल्लाह, वो अस्पताल में है अल्लाह, उनको सेहत सलामती अता फरमाइए अल्लाह। एक साहिब उनकी बहुत नाजुक हालत है अल्लाह, डायग्नोसिस हो रहा है अल्लाह, जवान साल हैं अल्लाह, अल्लाह उनको सेहत सलामती अता फरमाइए अल्लाह। बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों की तबीयतों की नासाजगी की दुआ की दरख्वास्त की अल्लाह, सबको सेहत अता फरमाइए अल्लाह, सलामती अता फरमाइए अल्लाह, परेशानियों से छुटकारा अता फरमाइए अल्लाह। जो अल्लाह बीमारी की वजह से परेशान है अल्लाह, उनको सेहत अता फरमाइए। जो कर्ज़दारी की वजह से परेशान है अल्लाह, उनकी अदायगी की सूरत में पैदा फरमाइए। ए अल्लाह जो कमाई की वजह से परेशान है अल्लाह, हलाल रोज़ी अता फरमाइए।
ऐ अल्लाह जो अहलो अयाल की वजह से परेशान है अल्लाह, घरों में सुकून अता फरमाइए अल्लाह, घरों में सुकून अता फरमाइए अल्लाह, दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाइए अल्लाह, गलत फहमियों को दूर फरमाइए अल्लाह, बदगुमानियों को अल्लाह दूर फरमाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह आलम ये तबारे इंसानों को सुकून अता फरमाइए अल्लाह। ऐ अल्लाह जो भी जितने बड़े सरगने हैं अल्लाह, इंसानियत के दुश्मन हैं अल्लाह, ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह उन सब को चुन चुन कर ख़त्म फरमाइए अल्लाह। हिदायत मुकद्दर हो तो हिदायत दे दीजिए अल्लाह, वरना अपनी ज़मीन को पाक फरमा दीजिए अल्लाह। अल्लाह आपने उस वक्त के फिरौन को डुबोया था, आज के फिरौन को भी डुबो दीजिए अल्लाह। उस वक्त के खारून को धसाया था अल्लाह, आज के खारून को भी धसा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह आपने बहुत सी कौमों को तबाह किया है अल्लाह, ऐ अल्लाह उन पर अपने अजाब के कोड़े बरसाए अल्लाह, आज के जालिमों पर भी बरसा दीजिए अल्लाह। इंसानियत को बहुत सता कर रख दिया है अल्लाह, ये हवाओं में उड़े तो पटखते अल्लाह वहाँ से गिरा दीजिए अल्लाह, समंदरों में जाए तो डुबो दीजिए अल्लाह, ज़मीनों में चले तो ज़मीन को फाड़ दीजिए अल्लाह, इंसानियत के दुश्मनों को इबरत की सज़ा दीजिए अल्लाह। बहुत सता दिए हैं अल्लाह इंसानों को, बहुत सता रहे अल्लाह, गरीबों का खून चूस रहे हैं अल्लाह, करोड़ों करोड़ों खुद ऐ अल्लाह धन दौलत जमा करके, ऐ अल्लाह बैंकों का दिवाला निकाल करके लूट लूट के ले जा रहे हैं अल्लाह, और गरीबों का चूस चूस के खा रहे हैं अल्लाह, और इतनी तंगियाँ इतनी तकलीफ़ें इतनी पाबंदियाँ इतनी जकड़बंदियाँ, ऐ अल्लाह उठे बैठे ऐ अल्लाह किस्म किस्म के जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, किस्म किस्म के टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऐ अल्लाह इंसानियत को सुकून का सांस अता फरमाइए, हक़ का बोलबाला फरमाइए, बातिल का मुकाला फरमाइए। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ईमान का ऐ अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमाइए, ऐ अल्लाह ईमान को आम फरमा दीजिए अल्लाह, पूरी दुनिया में फैला दीजिए अल्लाह, कुफ्र व शिर्क का खातिमा फरमा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह ईमान की हिदायत की हवाओं को चला दीजिए अल्लाह, शिर्क व कुफ्र की हवाओं को ख़त्म फरमा दीजिए अल्लाह, हक़ का बोलबाला फरमा दीजिए, बातिल का मुकाला फरमा दीजिए अल्लाह, दीनी इदारों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, दीनी इदारों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, मस्जिदों की मरकज़ों की मकतबों की ऐ अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमाइए अल्लाह, जल्द अज जल्द ऐ अल्लाह आबाद फरमा दीजिए अल्लाह, जारी फरमा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह दुनिया की चीज़ें तो खुल जाएंगी अल्लाह बहुत आसानी के साथ, ऐ अल्लाह वापस हो जाएंगी अल्लाह। ऐ अल्लाह आपकी अल्लाह मस्जिदें कब खुलेंगी अल्लाह, कितने लोग परेशान हैं अल्लाह, हर नमाज में परेशान होते हैं अल्लाह, रमज़ान के महीने में परेशान है अल्लाह, जुमे के लिए तरावी के लिए परेशान है अल्लाह। खोल दीजिए अल्लाह, दोबारा आबाद फरमा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह दीनी ऐ अल्लाह दीनी मेहनतें ही तो असल है ना अल्लाह, अगर ये भी ख़त्म हो गई तो फिर इंसान क्या इंसान रहेंगे अल्लाह। ये करीम आका रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाइए, रुकावटों को ख़त्म फरमाइए, ऐ अल्लाह जायज़ मुरादों को पूरी फरमाइए, मनसूबों को पूरी फरमाइए, पूरा फरमाइए, तकमील तक पहुँचाइए अल्लाह। जिन्होंने भी दुआओं के लिए कहा है लिखा है, जिनका हक है, जो मुतवक्के हैं अल्लाह।